हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएस एडिटिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर पिक्सार्ट एंड स्नैपचैट फोटो एडिटिंग पर होने वाला है। तो गाइस, स्क्रीन पर जो फोटो आपको नजर आ रही है, तो गाइस इस टाइप की फोटो आज हम अपने पिक्सार्ट एंड स्नैपचैट ऐप की मदद से यहाँ पर एडिट करने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं कि आप इस टाइप की फोटो को कैसे एडिट कर सकते हो। तो गाइस, इस टाइप की फोटो एडिटिंग को सीखने के लिए आपको सभी स्टेप यहाँ पर कम्प्लीटली फॉलो करने होंगे। सो गाइस, अभी तक आपने एमएस एडिटिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, इससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, चलते हैं अपनी अब मोबाइल स्क्रीन पर। हेलो गाइस, तो गाइस आपको यहाँ पर सबसे पहले इस वाले बैकग्राउंड को अपने पिक्सार्ट ऐप में शेयर कर देना है। तो गाइस, पिक्सार्ट ऐप को प्ले स्टोर से आप यहाँ पर अपडेट कर लीजिएगा, उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस, इस बैकग्राउंड का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप जो यूज़ करना है, आपको ऐड फोटो पर जाना है और आपकी फ़ोटो को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ फ़ोटो को अपने इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, हमारी फोटो यहाँ पर कुछ स्टेप से होने वाली है। तो गाइस, इस फोटो का अब आपको यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। तो गाइस, बैकग्राउंड रिमूव करना अगर आपको नहीं आता तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके बैकग्राउंड को रिमूव करना अच्छी तरीके से सीख सकते हो। मैं आपको भी यहाँ पर एक कुछ टूल्स बताता हूँ जिससे यहाँ पर बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। तो गाइस, पहला टूल तो आपको यहाँ पर सिंपली कुछ टाइम के अंदर अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप यहाँ पर कटआउट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। इस पर जाके आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको अपनी फोटो के अराउंड कुछ स्टेप्स यहाँ पे आउटलाइन ड्रॉ कर देना है, जिससे आपके ऑटोमेटिकली फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी और उसको आपको पे नेक्स्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फ़ोटो के ऑब्जेक्ट है उसको आपको सेलेक्ट कर लेगा और आपको इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना है। तो गाइस, एक स्टेप तो आपको यहाँ पर हो गया और आपको यहाँ पर सेव करना है। जो करेक्ट आपको यहाँ पर करना है, जो पार्ट आपको यहाँ पर रिमूव करना है उसको भी आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हो। और गाइस, सेकंड स्टेप जो आपको यहाँ पे यूज़ करना है, और आपको यहाँ पे इरेजर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो गाइस आप इस पे जाकर आपको यहाँ पे फोटो कोई अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आपको यहाँ पे हार्डनेस को साइज 90 प्लस कर देनी और साइज आपके अनुसार यहाँ पे बढ़ा देना है और आप कुछ स्टेप से यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। तो गाइस, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सबसे परफेक्ट टूल्स आपके लिए होने वाला है, जिससे आपको यहाँ पे परफेक्ट तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। पर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी फ़ोटो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से एडिट हो जाएगी बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद में। तो गाइस, इस स्टेप से भी आप यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। सबसे बेटर टूल्स आपको यही मिलेगा पिक्सार्ट ऐप में बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, पर आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। तो गाइस, यहाँ बैकग्राउंड को मैं पहले यहाँ पे रिमूव कर रखा हूँ, केवल आपको यहाँ पे बताया हूँ कि आप बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हो। तो मैं फोटो को यहाँ पे अपने इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, हमने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हमारी फोटो कुछ स्टेप के यहाँ पे होने वाली है। तो गाइस, मैं इस फोटो को यहाँ पर कुछ स्टेप साइज को बड़ा करके यहाँ पर नीचे स्टोन के ऊपर स्टेप्स यहाँ पे सेट कर दूंगा, ताकि हमारी फोटो यहाँ पर बेटर तरीके से लगे और आपको साइज भी आप यहाँ पे जितनी बेटर लगे उतनी यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो मैं कुछ स्टेप्स यहाँ पे इतना इस साइड में यहाँ पे सेट कर दूंगा, ताकि हमारी बाइक के भी मैच हो जाए और ज़्यादा बड़ी फोटो यहाँ पे न रहे। आपके अनुसार यहाँ पे आप इसे सेट कर लीजिएगा और आपको यहाँ से इसको राइट डन कर देना है। राइट डन करने के बाद में गाइस, अब आपको यहाँ पे एड फोटो पे जाना है और एक फोटो और उसको भी आपको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है। तो गाइस, ये फोटो इसको भी हम यहाँ पर अपने इम्पोर्ट कर लेना है आपको, और आपको इस फोटो की साइज को बढ़ाकर आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे इतना आपको यहाँ पे सेट कर देना है। सेट करने के बाद में आपको यहाँ पे इरेजर वाले टूल्स को सेलेक्ट करना है यहाँ से, और इसकी आपको हार्डनेस को यहाँ पे आपको 10 के आसपास सेट कर देना है और साइज आपको यहाँ पे बढ़ा देना है। और अब आपको यहाँ पे हल्का हल्का स्टेप से आपको यहाँ पे इरेज करना है, ताकि हमारा बॉडी इस टाइप से लगे कि हमारी बॉडी यहाँ पे नीचे ग्रास के अंदर से आ रही है और अच्छा लुक आपके यहाँ पे फोटो पे नज़र आए। तो मैं यहाँ पे साइज को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा इसे रिमूव कर लेता हूँ कुछ स्टेप से। और आपको अगर कुछ जगह यहाँ पे ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हो। कुछ स्टेप से यहाँ पे इतना कर लेता हूँ और थोड़ा सा और इसे यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इस साइड से, और यहाँ पे आपको इसको राइट डन कर देना है। तो गाइस, देख सकते हो हमारी फोटो यहाँ पे कुछ स्टेप से लग रही है कि हम यहाँ पे नीचे आधा हमारी पार्ट यहाँ पे बॉडी का ग्रास के अंदर आ रहा है, जो काफ़ी अच्छा इफेक्ट यहाँ पे दे रहा है। तो गाइस, इसके बाद में हम यहाँ पे एड फोटो पर जाना है आपको वापस, और यहाँ पे हम हेयर पीएनजीज और एड कर लेते हैं, जिससे हमारी फोटो यहाँ पे और बेटर तरीके से लगेगी। तो एड फोटो पर जाना है आपको और हेयर पीएनजीज आपको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेनी। तो गाइस, हेयर पीएनजीज का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं हेयर पीएनजीज इम्पोर्ट कर लेता हूँ।
सो गाइज हमारी हेयर पिन कुछ स्टेप पे होने वाली, तो मैं इसको स्टेप्स यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ और साइज़ को आपके अनुसार यहाँ पे सेट कर देना। और यहाँ पे मैं इसे सेट कर लेता हूँ थोड़ी साइज़ को कम करके। तो कैसे देख सकते हो हमारी हेयर पिंजेस बिल्कुल हमारे यहाँ पे हेयर पे बिल्कुल सेट हो चुकी है। अगर आपको भी ये हेयर पिंजेस सेट नहीं हो पाती तो और हेयर पिंजेस का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, एडजस्ट पे जाना है यहाँ से आपको, और हेयर पिंजेस को हम यहाँ पे अपने अदर जो हेयर पार्ट है उससे भी यहाँ पे मैच कर लेते हैं। तो इसकी ब्राइटनेस को हम थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देते हैं। तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे पार्ट है बिल्कुल हेयर से मैच हो चुका है, और इसको यहाँ से इसको राइट क्लिक करके राइट डन कर देते हैं। तो गाइस हमारा जो भी पार्ट यहाँ पे पिक्सआर्ट में होने वाला था एडिटिंग, वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो आपको ड्रॉ वाले टूल्स पे जाना है और आपको फोटो को यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव कर लेना है। तो गाइस जब जो भी स्टेप आप एडिट करेंगे वो अपने स्नैपचैट ऐप की मदद से यहाँ पर एडिट करेंगे, जिससे हमारी फोटो और बेटर तरीके से यहाँ पर एडिट हो पाएगी। तो गाइस हम अपनी फोटो को स्नैपचैट ऐप में इम्पोर्ट कर लेते हैं। सो गाइस तो आपको यहाँ पे अपनी फोटो को स्नैपचैट ऐप में इम्पोर्ट करना है। तो गाइस स्नैपचैट ऐप को अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, आप प्ले स्टोर से भी इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस अब आपको यहाँ पे पेंसिल वाइल टूल्स को यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे जाने के बाद में गाइस आपको यहाँ पे ट्रू इमेज फर्स्ट वाला ऑप्शन नजर आएगा, तो गाइस इस पे चले आना है आपको यहाँ पे, जिसमें आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस को आपको यहाँ पे कम करना है, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है प्लस 15 के आसपास, सेचुरेशन भी आपको यहाँ पे 40 के आसपास बढ़ा देना है, और एम्बेंस को भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा आपको प्लस 15 कर देना है इंक्रीज, हाईलाइट भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट आपको यहाँ पे -30 के आसपास कर देनी है, शेडो आपको थोड़ी सी यहाँ पे 25 के आसपास सेट कर देनी है, और वार में आपको उसको यहाँ पे ये रहने देना, और इसको यहाँ से राइट डन कर देना। राइट डन करने के बाद में गाइस अब आपको यहाँ पे वापस पेंसिल वाले टूल्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में गाइस आपको डिटेल्स वाले ऑप्शन पे चले आना है यहाँ पे, और स्ट्रक्चर वाला टूल से, इससे क्या है कि आपकी जो बैकग्राउंड की राइट आपकी फोटो की डिटेल्स है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे शो होने लगेगी। तो आपको यहाँ पे प्लस 15 के आसपास इसे सेट रखना है, और शार्पिंग को आपको यहाँ पे बढ़ा देना, जिससे आपकी फोटो यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल्स शो करेगी, और यहाँ से आपको राइट डन कर देना है। इसके बाद में वापस पेंसिल वाले टूल्स आपको यूज़ करना है, और आपको यहाँ पे सेलेक्टिव वाले टूल्स को सेलेक्ट करना है। इससे आपको सबसे पहले अपना बैकग्राउंड स्काई वाला पार्ट इसको यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सर्कल से रेड कलर की शेडो में। इससे आपको पहले तो ब्राइटनेस आपको कम करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे बैकग्राउंड आपको नाइट रखना है थोड़ा सा। इसके बाद में कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है, सेचुरेशन भी हल्की सी इंक्रीज़ कर देनी है, और स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा यहाँ पे कम करेंगे, जिससे हमारे बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे फटा हुआ है पिक्सल्स, तो हम इसको यहाँ पे कम कर देंगे, जिससे हमारे यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ हो चुका है। पर हम इसको यहाँ पे 50 के आसपास यहाँ पे रखेंगे। वापस हम यहाँ पे प्लस वाला आइकन को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और हमारे टी शर्ट वाला पार्ट इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ स्टेप से। इसकी ब्राइटनेस को हम यहाँ पे थोड़ा सा कम रखेंगे, और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, सेचुरेशन को बढ़ा देंगे, और स्ट्रक्चर को भी बढ़ा देंगे। इसके बाद हमारी जो बॉडी वाला पार्ट है बॉडी कलर, उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पूरे सर्किल में हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे बॉडी पार्ट को। ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम यहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट को कम करना है, और सेचुरेशन को भी थोड़ा सा हम यहाँ पे कम कर देंगे, इससे हमारा फेस यहाँ पे थोड़ा ब्राइट हो जाएगा और थोड़ा लाइट यहाँ पे नज़र आएगा, हमारे फेस में येलोपन यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे कम हो जाएगा। और स्ट्रक्चर को भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाते हो तो आपके फेस की यहाँ पे डिटेल अच्छी तरीके से यहाँ पे शो करेगी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर को थोड़ा कम कर देते हैं, इससे हमारा फेस यहाँ पे स्मूथ नज़र आएगा। और प्लस वाला आइकन से यहाँ पे ग्रास वाले पार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इतना, और ब्राइटनेस को थोड़ा सा हम यहाँ पे कम करते हैं, और कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा यहाँ पे कम करते हैं, सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर को यहाँ पे बढ़ा के इसको यहाँ से एक बार राइट डन कर देते हैं। तो हमारी फोटो देख सकते हो थोड़ा यहाँ पे चेंज आ चुका है। तो आपको वापस पेंसिल वाले टूल्स को सेलेक्ट करना है। तो गाइस हम जहाँ पे नेक्स्ट यूज़ करने वाले स्टेप, वो आपको विग्नेट वाला टूल्स आपको यहाँ पे जाना है। इससे आपको विग्नेट पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे कितनी डार्क यहाँ पे हो जाएगी। तो आपको ये वाला पार्ट केवल आपको बॉडी और आपके फेस को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और आपके बाइक वाले पार्ट को भी सेलेक्ट करना है, और आउटर ब्राइटनेस आपको यहाँ पे कम कर देना है कुछ स्टेप्स। हम यहाँ पे -60 के आसपास रख देते हैं, और इनर ब्राइटनेस को हम यहाँ पे थोड़ा सा +10 के आसपास इंक्रीज करके यहाँ से राइट डन कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे इफेक्ट्स आप देख सकते हो। इसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन जो यूज़ करना है, आपको लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ जाने के बाद में गाइस अब आपको यहाँ पे इस वाले पे जाना है, और आपको इसको कुछ स्टेप्स यहाँ पे स्क्वायर में सेलेक्ट कर लेना, और इसकी साइज़ को आपको यहाँ पे बढ़ाना है, और हमको यहाँ पे नीचे थोड़ा नीचे का पार्ट हमको यहाँ पे ब्लर करना है इतना। तो हम यहाँ करेंगे, और ब्लर की साइज हम यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा देते हैं 40 के आसपास, और इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं इतना प्लस 80 के आसपास।
और विग्नेट स्ट्रेंथ को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जो हमारा पार्ट नीचे का यहाँ पर डार्क हो जाएगा और यहाँ से आपको रेडन कर देना है। तो हमारी फोटो यहाँ पे बेटर तरीके से और यहाँ पे एडिट हो चुकी है। अगर और कुछ आपको इफेक्ट डालना है यहाँ पे तो आप SDR वाला इफेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आपको SDR स्किप पे जाना है और इसमें आप देख सकते हो हमारी फोटो में कितना यहाँ पे चेंज आ चुका है। तो हम यहाँ पे SDR स्किप यहाँ पे +50 के आसपास रखेंगे, ब्राइटनेस को थोड़ा सा यहाँ पे +8 के आसपास रखेंगे, सेचुरेशन भी बढ़ा देंगे। सेचुरेशन थोड़ी सी बढ़ाने के बाद में आपको इसको यहाँ रेडन कर देना है। रेडन करने के बाद में आपको पेंसिल वाला टूल्स वापस सेलेक्ट करना है और आपको एक बार और अपने फेस वाला पार्ट है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और ब्राइटनेस को बढ़ाना है, कॉन्ट्रास्ट कम करना है आपको यहाँ पे, और सेचुरेशन भी कम कर देनी है और यहाँ से राइट डन कर देना है। तो गाइस देख सकते हो हमारी फोटो यहाँ पे अच्छे तरीके से एडिट हो चुकी है। तो गाइस हमारी फोटो पिक्सआर्ट में कुछ इस टाइप की थी और स्नैपसीड पर आने के बाद में कुछ इस टाइप की हो चुकी है। तो गाइस अगर आपको और कुछ करेक्शन करना है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और करेक्शन कर लेता हूँ। विग्नेट को हम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देते हैं, तो फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और विग्नेट को यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ इतना बढ़ा देते हैं और इनर ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे राइट डन कर देते हैं और आपको फोटो को यहाँ पर सेव कर लेना है। सो गाइज हमारी फोटो यहाँ पे कम्प्लीटली एडिट हो चुकी है। और आप कुछ टेक्स्ट भी यहाँ पे एडिट करना चाहो तो कर सकते हो, पर बिना टेक्स्ट आपके यहाँ पे बेटर फोटो यहाँ पे एडिट लगेगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो एडिटिंग का तो गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके गाइज जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइज मिलते हैं आप इस टाइप के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।